बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही आए दिन अपने फैशन सेंस और डांस वीडियोस को लेकर छाई रहती है, मगर इस पर एक्ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसने के कारण खबरों में है, जिस कारण ईडी ने उन्हें बुलावा भेज दिया है। दरअसल एक्ट्रेस नोरा फतेही को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। विरल भयानी नाम एक फोटोग्राफर ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नोरा ईडी दफ्तर जाते हुए दिख रही है। नोरा के अलावा ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को भी इसी केस में एक बार फिर से समन भेजा है। आपको बता दें, इससे पहले भी दो बार ईडी जैकलिन से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक जैकलिन को 15 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। मालूम हो रहा है कि ये पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। 23 अगस्त को तिहाड़ जेल के अंदर से रंगदारी वसूलने वाले आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और फिल्म अभिनेत्री लीना पॉल के चेन्नई वाले बंगले पर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापा मारा था। बता दें, जिस बंगले पर ईडी द्वारा छापा मारा गया था, उसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। रेड के दौरान कार्रवाई करते हुए ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया था, साथ ही 15 गाड़ियां भी बरामद की गई थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। ठगी के मामले में सुकेश की कथित पत्नी लीना पॉल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में अभिनेत्री से ईडी पूछताछ करना चाहती है। इसी तरह की डेली अपडेट के लिए फैक्ट मीडिया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया से जुड़े रहें।